मधुबनी जिले के पिरामल स्वास्थ्य और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लोकही के सौजन्य से करियोत प्लस टू हाई स्कूल में महामारी स्वच्छता दिवस का आयोजन किया गया। लोकही स्वास्थ्य केंद्र से आई जीएनएम किरण कुमारी ने मासिक चक्र के दौरान स्वच्छता, मासिक धर्म के महत्व और इससे जुड़े मिथकों के बारे में सही जानकारी देकर बच्चों को जागरूक किया। उन्होंने बताया कि मासिक धर्म के दौरान महिलाओं को विशेष देखभाल और स्वच्छता की जरूरत होती है। सफाई सुनिश्चित नहीं होने पर महिलाओं को विभिन्न प्रकार के संक्रमण और बीमारियों का सामना करना पड़ता है। विश्व महामारी स्वच्छता दिवस मनाने के पीछे की वजह की जानकारी साझा करते हुए किरण कुमारी ने बताया कि महिलाओं का पीरियड 5 दिन का होता है और मासिक धर्म आने का औसत अंतराल 28 दिन का होता है। इस वजह से इस दिवस को 28 मई को मनाया जाता है। उन्होंने स्कूल की छात्राओं को इस विषय पर जागरूक किया और अच्छे भविष्य निर्माण के लिए शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम में प्रजनन स्वास्थ्य से संबंधित विभिन्न विषयों पर महत्वपूर्ण जानकारी दी गई। किरण कुमारी ने छात्रों को हाथ धोने की सही विधि और स्वच्छता के विभिन्न संदर्भों से अवगत कराया। उन्होंने कहा कि एक स्वस्थ किशोरी स्वस्थ मन बनाकर स्वस्थ भावी पीढ़ी के निर्माण में सहायक हो सकती है। इस मौके पर स्कूल के प्रधानाचार्य प्रेमचंद्र, शिक्षिका ममता कुमारी, किरण कुमारी, समा आजमी और अन्य शिक्षक उपस्थित थे। स्वास्थ्य केंद्र लोकही से जीएनएम किरण कुमारी, प्रखंड सामुदायिक उत्प्रेरक पंकज कुमार, पिरामल स्वास्थ्य से पंकज कुमार और परमजीत कुमारी भी उपस्थित रहे। चौथा स्तंभ ब्यूरो रिपोर्ट।